उत्तराखंड प्रदेश में आयुष्मान योजना में सरेआम हो रहा है भ्रष्टाचार, जिसमें कुछ संबंधित स्वास्थ्य सेवा दे रहे अधिकारी के साथ साथ कुछ निजी हॉस्पिटल भी है संलिप्त। देखिए खास रिपोर्ट। हम लोगों ने यहाँ पर अप्रोच करा कि आयुष्मान कार्ड उनका था, तब दिया नहीं गया, तो आप हमें भुगतान कीजिए। तो इन लोगों ने बोला कि अभी हम फॉलोअप के लिए भेजेंगे और कहते हैं प्रोसेसिंग कर लेते हैं। सूरी में प्रोसेस के बाद कितने दिन से चक्कर काट रहे थे यहाँ पे आप? 15-20 दिन हम लोग चक्कर काट घुमा रहे थे आपको। क्या कह इनसे प्रबंधन क्या कह रहा था आपको? कि अभी आपकी फाइल्स आगे गई नहीं है और फॉलोअप नहीं हुआ, और प्रशासन की तरफ से जब फॉलोअप आएगा तो मैं आपको कॉल करूंगा। और जब नहीं आया, 20 दिन हो चुके थे, तो हम लोगों को न्यूज़पेपर के ही माध्यम से पता चला कि हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं आपका स्वास्थ्य हेल्थ कंप्लेन ऑफिस में। तो हम लोगों ने वहाँ पर एक ईमेल डाला था, बस आपने ही 100 एप्लीकेशन डाली थी व्हाट्सएप के जरिए, जिसमें हम लोगों ने सारे बिल्स और फार्मेसी के और उसके लगा दिए। आपने जमा किया, उसके बाद क्या रिवर्समेंट की प्रक्रिया हुई? नहीं, उसके बाद कहते हैं रिवर्समेंट की प्रक्रिया एक दिन से हो गई थी कंप्लेन ऑफिस की तरफ से, उनका हमारे पास कॉल आया था जी। और उन्होंने बोला कि व्हाट्सएप पे आप एक बार फिर एप्लीकेशन और सारे बिल्स हमें भेज दीजिए। और उसके बाद वो फॉलोअप्स ले रहे थे हमारे जी, और रेगुलर ले रहे थे, उनके भी हमारे पास कॉल्स आ रहे थे। एक नोडल ऑफिसर उन लोगों ने वहाँ पर, वो नोडल अधिकारी का नाम क्या बताएंगे जी, उन्होंने आपके ऊपर दबाव भी बनाया कि पैसे पूरे पैसे साइन करने के लिए? में बनाया गया था, पहले तो वो हम लोगों का सपोर्ट ही कर रहे थे जी। पहले उन लोगों ने खुद फोन करके और खुद बोला कि मैम आपका सारा काम हो रहा है, और जिस दिन चेक लेने आना था उस दिन उनका मेरे पास कॉल आया कि अभी आपको कॉल आएगा, आप चले जाएंगे। बट फोन नहीं आया तो मैंने आगे से खुद ही फोन करा हॉस्पिटल में, बट उन्होंने बोला कि अभी फॉलोअप पे एक हफ्ता लग जाएगा। फिर इस प्रोसेसिंग में भी 10 दिन और लग गए। उसके बाद जब मैंने उनको कहते हैं दोबारा उनका मेरे पास यहाँ से मुझे कॉल आया था हॉस्पिटल से, तो इन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पर एक मीटिंग के लिए, जिसमें मुझे बोला गया कि आप पहले उन्होंने 1/28 बोला था कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, बार बार बार्गेनिंग कर रहे थे उस पर जी। काफ़ी नेगोशिएशंस चली, तो एट लास्ट वो 2.5 पे माने कि आप 2.5 ले लीजिए, पर आप लास्ट में उन्होंने मुझे ये लाइन बोल दिया कि आप 5/28 पे साइन करेंगे। उनका कहना था किसका कहना था? प्रबंधन का, रायन हॉस्पिटल का, इंद्रवीरा, 5/28 पे साइन करेंगे, 2.5 लाख रुपये मिलेगा आपको। और अगर देख लीजिए आप, अगर आप इसको करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप फिर कोर्ट केसेस वगैरह जो भी लंबा प्रोसेस होता है आप अगर कर सकते हैं तो वो चीज़ कर लीजिए, और उसमें भी आप श्योरिटी नहीं है कि आपको पैसे मिलेंगे जी। तो आपके बात मान लो खबर चली है मीडिया सोशल मीडिया पर, तो आप क्या कहेंगे इसका? मैं तो धन्यवाद ही करूँगी। मुझे जैसे परसों ये लाइव हुआ था कि मैंने जो एप्लीकेशन डाली है और आलोक जी के माध्यम से ये बात निकली थी, तो मुझे कल बुला के मुझे